सुंदर हार मांग रहा है इसमें से चीज टोटोरा सब हार आ रहा है। मेरा ऑपरेशन हुआ अभी। छोटे टमाटर का तड़का कितनी चमचे में राजा रानी को छोड़ के फूल आती हूँ। छोरा हरियाणा का, छोरा हरियाणा का, भाई देख मेरा टोरा। तो आज मैं मेरे फास्ट में पहनने वाली हूँ साड़ी। साड़ी में ही जाके मैं पूजा करूंगी। पहले मैं पता कर लेती हूँ यहाँ पे होलिका दहन का मतलब कहाँ प्रोग्राम है, क्योंकि मुझे पता नहीं, हम लोग नए, हमारा फर्स्ट टाइम है यहाँ पे। दिल्ली में तो हमें पता था कहाँ कहाँ होता है, यहाँ नहीं पता है, तो पहले पता करना पड़ेगा। इतनी जल्दी क्यों आगे नीचे से बेटा? भैया केले खेल रहा था क्या? दीवार पे खड़ा है। दीवार पे पिचकारी मार कर आया लड़का, कोई था नहीं बेटा पिचकारी के लिए? कल आएंगे बेटा, कल होली है। एक काम करो भैया, इसको हैप्पी होली लिखा हुआ ना टी शर्ट भी ला दो। चलो जाओ और कल पहनना हैप्पी होली टी शर्ट। कलर भी लाने हैं? वो बचपन की थी, वो कलर भी लाने हैं? कलर संभाल के रखे मैंने। अच्छा हाँ, चीकू के पापा के जो ड्रैकलिंग के कपड़े रखे हुए ना, मैं सोच रही हूँ काम करते हैं, कपड़ों को ना सीधे रख दे, क्योंकि हम क्या करते हैं जब कोई कपड़े निकालते हैं वो ड्रैकलिंग के कपड़े ऊबड़ खाबड़ हो रहे हैं, तो एक पूरा का पूरा ऐसे बना देते हैं जिसमें सिर्फ ड्रैकलिंग के कपड़े हो। आज नहीं होगा वो, कल होगा, आज हमारा फास्ट है। हाँ, नहा चुकी हूँ फास्ट के लिए, अब बस प्रिपरेशन मतलब रेडी होने जा रही हूँ, तैयार होने जा रही हूँ। बोलू नहाने गई है, वो आते वो भी रेडी हो जाएगी। चीकू गया है अपने लिए माला लेने, जो कि इस फास्ट में बच्चे पहनते हैं, उसमें मुझे टॉफी वगैरह लगानी है, वो लगाऊंगी थोड़ी देर बाद। तो चीकू के फास्ट की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हो इतना सुंदर हार, बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसमें चीकू की सारी फेवरेट चीजें हैं, चुपा चुप चॉकलेट। उम्र लग नहीं रही थी तो हमने थोड़ा खोल के लगा दिया। साड़ी कौन सी पहनेगी बताओ? पल ब्लैक छोड़ के बाकी साड़ी, ब्लैक नहीं पहनते ना पूजा में, ये और ये पहन लेते ब्लू और रेड। ठीक है, इसका ब्लाउज है ना बना हुआ? हाँ ब्लाउज तो दोनों का बना हुआ है। ठीक है, पहनते चलते है ना, रेडी हो जाते हैं। पायल मांग रहा है इसमें से चीज। इसने अभी एक टॉफी निकाल के खा ली है इसमें से। चीकू कौन सी टॉफी खाई बेटा? मैं भी नहा धो के रेडी हो गई हूँ, मतलब रेडी नहीं हुई, नहा धो चुकी हूँ, मेकअप करना बाकी है। पायल ने मेकअप स्टार्ट कर दिया है। चीकू अभी बहुत ज्यादा जिद कर रहा है कि उसको टॉफी लेनी है। पायल उसे 10 से 20 बार समझा चुकी है कि सब कुछ तेरा है, एक बार पूजा करने दे, पर चीकू से वेट नहीं हो रहा। चीकू बैठे हुए माला के पास, उसको गिन रहा है कितनी टॉफी है, कितनी बूमर है। ये वाला कुर्ता हमने कब लिया था चीकू को? दिवाली पे ना, नहीं स्कूल के फंक्शन में लिया था। एक दिवाली क्या था बेटा? कोई फंक्शन था इसके स्कूल में। हाँ जी बोलो, क्या चाहिए? ये सब कुछ आपका है, हम नहीं खाते हैं। बेटा पता नहीं कहाँ पे मैंने भैया को भेजा है अभी चेक करने के लिए ना। हाँ, तो अगर मुझे भूख लगेगी तो एक खींच के निकालूंगा। बेटा ऐसे नहीं करते, पहले तो रास्ते में भूख भी लगेगी है। मेरे भाई भी ऐसे करते थे। आपको भूख लगेगी पक्का? आपको भी लग रही है ना भूख? तो मैं बहुत परेशान हो रहा, जब मुझे चोट लगी निकालने नहीं दे रहा है। बाहर वो बहुत परेशान हो रहा है। तो मैं और गोलू रेडी हो चुके हैं, चीकू भी फुल रेडी है कुर्ता पजामा पहन के। आज पायल चीकू ने मुझे कम से कम 10 बार किसी दिए है मेरी बेटी। ओ मेरा बाबू बच्चा। तो गोलू ने बहुत सारी शॉर्ट्स ऑर्डर की हुई थी, सारी शॉर्ट्स आ गई है, और मेरे लिए सिर्फ किया था एक लोअर, और खुद के लिए किए इसने 4 शॉर्ट्स। पर पायल से पूछ के, लेकिन 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 एक जो शॉर्ट है ये ब्लू वाली, ये बहुत शॉर्ट है, जो कि इसे नहीं आएगी, तो वो आएगी सिर्फ मुझे। तो हम लोगों ने वीडियो बना के कपड़े कर लिए चेंज, और अभी हम बैठ गए शांति से, क्योंकि अगर ज़्यादा काम करेंगे तो भूख लगेगी, प्यास लगेगी, कुछ खा पी नहीं सकते। तो आराम से हम बैठ गए हैं, और चीकू का जो माल है वो वहाँ वेट कर रही है, और चीकू कार्टून देख रहा है बाहर। तो इतने सालों बाद ये ब्लैक कलर का लहंगा जो है वो गोलू ने पहना है, ये हमें विंटर समर्स में आया था। तो अभी ये समर दोबारा आ गई है, और दोबारा समर्स आ गई है, तो अभी दोबारा समर्स में पहन रही है। तो इधर बन रही है टमाटो सूप की तैयारी, और टमाटो सूप हम घर पे ही बनाते हैं, क्योंकि घर का जो टमाटो सूप होता है बहुत ही फ्रेश होता है। गोलू जा चेंज कर ले, बाकी के जो कॉस्ट्यूम है वो पहन ले फटाफट। हाँ, बस पैर में चेंज, तेरे बस की नहीं तो मैं पहन लेती हूँ। मैं सूट पहन के आती हूँ, एक काम कर 2-4। ओहो गोलू वाह, तेरा पेट कितना सही है। डटोरा सब आ रहा है, क्या आता है खड़े की नहीं आता। ट्यूशन जाना तो भूल गए आज, हम आपको भेजना भूल गए। हाँ, तो अभी क्या करें? पहले से पता है। तो चीकू को ये पहले से पता है, चीकू ने इसमें से आधी लॉलीपॉप आधी टॉफी निकाल ली है। मतलब पहले इसने एक बूमर, 2 मेलेडी, 1 चुपा चुप निकाल लिए। चुपा चुप थोड़ी निकाल दी, निकाला है, 4 थे, 4 थे चुपा चुप। अरे भाई ये तो चिंगम वाली लॉलीपॉप। तो मैं जा रही हूँ नीचे, चीकू का जो भी सिस्टम है गेमिंग जो भी बनना उसका, वो पूरा नीचे सेट हुआ है, मैं देखने जाती हूँ। मैंने उन्हें बताया था कि ऐसे ऐसे सेट करना, उन्होंने कैसे सेट किया कैसे नहीं सेट किया वो मैं जाके नीचे देख रही हूँ। अगर कुछ कमी हुई तो मैं साथ में मिलकर काम भी करवा दूंगी उनका। तो मैंने जो एक बेड है वो यहाँ सेट करवा दिया है, क्योंकि वो कमरे में पूरा सिस्टम सेट होना था, तो बेड यहाँ सेट करवा दिया है। और ये जो राजा रानी शैतानी कर रहे हैं बहुत ज्यादा, नो बेटे। तो ये लग चुका है पूरा सिस्टम चीकू का, और अभी घर में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं
जो भैया मुझे सेट करानी पड़ेगी, इसलिए मैं नीचे आई हूँ सेट कराने। यहाँ तो दीवार पे लगना है। क्या लगना है? कुछ ना कुछ लाइट वाइट भी लगेगी और कुछ डेकोरेशन का। तो कुछ इन लोगों ने कर दिया था और कुछ मैंने सेट करा दिया। मैंने ये सोफा सेट यहाँ लगा दिया, इसके साथ टेबल लगा दिया, बाकी मैंने इस कमरे में सेट कर दी सारी चेयर। ये दो चीज बाहर थी, ट्रैक और ये जो हमने ऊपर रख दिया, और यहाँ पे एक चेयर बची थी वो लगा दी है, कुछ सोफे पे बैठा हुआ है। और ये एक्स्ट्रा डब्बे जो है मैंने ऊपर रख दिए ताकि अलग से दिखे ना। मैं आज एक नई डिश बना रही हूँ और डिश का नाम मुझे नहीं पता क्योंकि मैं खुद बना रही हूँ, खुद मेरी खुद की इन्वेंशन है ये। तो ये छोटे वाले चेरी टमाटोज हैं, ये बॉइल्ड आलू है, ये मिर्ची है और इसमें एक प्याज। इसकी मैं एक सब्जी बनाने वाली हूँ, देखती हूँ कैसी बनेगी। अगर अच्छी बनेगी तो रेसिपी जरूर दूंगी। इस डिश का नाम मैंने सोच लिया, छोटे टमाटर का तड़का है भाई। तो क्या हो गया? छोटे टमाटर का तड़का पाइल कैसे लगा? बहुत ही बढ़िया। तो चिपकन को कर दिया उसके रूम में शिफ्ट, तो मैं उसकी लाइट चला देती हूँ। मुझे समझ नहीं आता चिपकन हमारी जो फोटोज को इतने ध्यान से क्यों दिखता है। पाइल पता भी क्या देख रहा है? ये पहचानता है, ये पहचान रहा है ये वाली फोटो को। बेटा ये अहमदाबाद की फोटो है। मैंने वो धोया था, वो कहाँ है? वो मैंने नहीं रखा अभी क्योंकि उसमें थोड़ा पानी पानी था, इसलिए मैंने बाहर रखा। ये सूख गया था, ये मैंने अंदर रख दिया। और जो इसका पेड़ है छोटा वाला, उसमें थोड़ा सा पानी था, बाहर रखा अभी। वैसे एक बात बोलू, तुझे अगर ना बोले ना तो नहीं करती वो काम। क्या? बस छोड़। क्या नहीं किया? मतलब इतने दिन हो गए हम जिम नहीं जा रहे, चलो ठीक है जिम नहीं जा रहे, जिम का हमारा हो गया। तो नीचे मैं तुझे तीन चार दिन से बोल रही हूँ पायल यार चलते हैं वॉक करने, वॉक करने, पर तू नहीं जा रही। मेरा ऑपरेशन हुआ अभी बापू, वॉक करने के लिए बोल रही हूँ। बेटा वॉक करना एक अच्छी बात होती है, वॉक। डॉक्टर ने बोला आप घर पे जितना आराम हो सके उतना आराम। मैं बात करती हूँ, नंबर दे डॉक्टर का। चीकू के काम तो देख ले। मैं लटकाई? अच्छा तूने लटकाई है ये? मुझे लगा चीकू ने लटकाया है। तो चिपकन जो है वो पूरे मजे ले रहा है बिस्तर के। ये इसको यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये यहाँ से हटना नहीं चाहता है। मतलब कभी यहाँ से यहाँ जाता है, कभी यहाँ से यहाँ जाता है। तो मैं और गोलू पूजा करके आ गए और हम बहुत थक गए हैं क्योंकि वहाँ पे भीड़ थी। और चीकू आते ही नीचे चला गया और अब उसने अपनी माला की सारी चॉकलेट सारी लॉलीपॉप खा ली है। अब मैं सोच रही हूँ चाय बना के पी लेते हैं, थक गए ना। कुछ आज हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं और पूरा दिन हम लोग अवेक थे, मतलब जगे हुए थे, आज हम सोए भी नहीं है। तो आते ही हमने सबसे पहले चेंज किया क्योंकि हम सूट पहन के गए थे, उसमें बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। आई शैडो तो देख ली मेरी कैसी हो गई, अभी कपड़े चेंज करने के बाद होना देखियो। और आज हम रात को जा रहे हैं मूवी देखने। तो मैंने आप लोगों को एक चीज कभी नहीं बताई जो मैं आज बताने वाली हूँ कि 2018 के रोडीज के ऑडिशन जो नोएडा में हुए थे, वहाँ पे हम तीन लोग गए थे, पर वहाँ जो है कुछ हुआ नहीं। ऐसा था, मैं आपको थोड़ा विस्तार में बताता हूँ क्या था ना, कि हम सुबह 3 बजे उठे और नोएडा में पहुंचे, वहाँ पे उनका क्या बोलते हैं वालू सिलेक्शन, वो लगता है कैंप टाइप लगता है। तो भैया सुबह 3 बजे गए, 5-6 बजे गेट खुला, फिर उसके बाद लाइन में लग गए और कहाँ पे जाके फिर 2 बजे नंबर आया। और 2 बजे नंबर आने के बाद क्या करते हैं, मतलब पूरी भीड़ होती है लोगों की, ये तो है नहीं कि एक एक को निपटाते हैं, वैसा नहीं करते। तो वहाँ पे ना कैंप लगे हुए थे, कैंप में ले गए 20 लोगों को अंदर। एक वहाँ पे एक उनकी टीम का एक जाहिल सा आदमी बैठा होता है, उसको पता होता है कि सिलेक्ट करना ही नहीं है तुम इन 20 लोगों में से। बहुत सारे लोग आएंगे, हम कॉल कर रहे हैं कि कौन आया कौन नहीं आया, मतलब 70% फेक है। तो 30% उठाती है पब्लिक में से, बाकी इधर उधर के लोग होते हैं जो सेटिंग से ऐसे दिखा देते कि हाँ भाई इसको ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो। तो हम गए, मैं था पाल थे, तो 20 लोगों में हमारी इंटरव्यू होगी, 20 लोगों में बिठाया हमें। तो बस जो उसका टीम लीडर था, बस वो एक टॉपिक कहता है 10 लोग इधर है 10 लोग इधर है, क्या पोन बैन होनी चाहिए? हाँ जी आप बताओ। उससे पूछते हैं, उधर बोलते हैं, आपस में बहस करो, तो क्यों होनी चाहिए, किस लिए होनी चाहिए, बस आपस में 3 मिनट। हाँ 3 मिनट ये कुत्ता कहानी होती है उन दोनों की आपस में। उसके बाद कहते हैं ठीक है जी, हम आपको बता देंगे आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, जाइए। ठीक है, तो मेरे साथ एक और थी लड़की, वो गई दूसरे कैंप, उसमें जो उनका दूसरा जुगाड़ होता है दूसरा ग्रुप में गई, वहाँ पे गए, दहेज पर था बैन होनी चाहिए, बस उनका भी ऐसे आपस में क्लेश करवाया 2-3 मिनट, उसके बाद उसको भेज दिया। तो 30% पब्लिक में से उठाते हैं, 70% उन्हीं की सेटिंग में से बंदे सेट कराई और निपटा दिया, शो शुरू कर देते हैं। तो इन टोटल बात ये है कि मतलब कुछ नहीं होता है भाई, ये सब स्क्रिप्टेड होता है, चाहे वो बिग बॉस हो, चाहे वो रोडीज हो, चाहे वो कोई भी टीवी शो, ये सब स्क्रिप्टेड होता है। ये एक एक हफ्ते पहले शूटिंग हो जाती है, एक एक हफ्ते पहले रिहर्सल करवाते हैं कि ये बोलना तो मैं ये बोलना है। तो बकवास लगा उस दिन के बाद ना, मतलब समझ में आ गई किसी भी रियलिटी शो या फिर किसी भी इस ऐसे शो में जाना ही नहीं चाहिए आपको, स्क्रिप्टेड होता है। अब एक बात बताओ, तुम्हें एक वहाँ पे 20-30 ऐसे बना रखे तंबू से, उसमें 20-20 लोगों को ले रहे, और कम से कम वहाँ पे 1 लाख बंदा था, 1 लाख लोग थे, और 20-20 लोगों को लिया, 3 मिनट एक छोटी सी बहस करवाई, बस उसका जो टीम लीडर है वो बैठा रहता है। और टीम लीडर कौन होता है, जो पिछले रोडीज में से फेल कंटेस्टेंट होते हैं उन्हीं को बिठा रखा होता है। हमारी 10:30 की मूवी है, तो चीकू को पायल सुला रही है 2 घंटे के लिए। हाँ, क्योंकि सुबह से जगा हुआ है, बिल्कुल सोया नहीं है, इसके पापा बोल रहे हैं 2 घंटे सोएगा,
तभी इसको लेके जाएंगे, वरना इसको छोड़ के जाएंगे। तो बहुत ही अच्छी बनी है सब्जी, आलू टमाटर प्याज वाली, मिर्ची वाली। चाय आ चुकी है, भैया भी आए हुए हैं, चीकू के पापा, गोलू, हम सब चाय पी रहे हैं। होली आने वाली है, दिवाली नहीं आने वाली। क्यों, दिवाली का क्या चक्कर है? जैसे दिवाली के पटाखे फूटते हैं तो चमचम आती है ना, वैसे तेरे मुंह पे देख कितनी चमचम है। ये बता चाय किस में ज्यादा है, चाय किस में ज्यादा है? इसमें ये क्या वो डाल दिया, थोड़ी और चाहिए तो डाल देती, मेरी ले ले। नहीं रहने दे, छोड़, मैं नहीं पी, तू पी ले। तो हम सब रेडी हो चुके हैं और हम जा रहे हैं मूवी देखने। आज बहुत टाइम बाद हम दोनों ने वन पीस पहना, हमने वन पीस पहनना छोड़ ही दिया था। चल बेटा चल चल, मैं सबसे चलो आ जाऊँ। यार ये लोग बहुत लेट करते हैं, चीकू सबसे आगे है। तो आज हम सारे आए हैं मूवी देखने के लिए, आप देख सकते हो पूरा घर उठ के आया है राजा रानी को छोड़ के। पिछली बार हमारी ये मूवी कैंसिल हो गई थी, हम आधे में बीच में चले गए तो हमने आपको बताया नहीं, इस बार हम पूरी मूवी बताएंगे कैसी लगी। तो शिवा पहली बार मूवी देखने आए है, तो शिवा हैप्पी हुआ? कितने फुल हैप्पी हो? चलो ऑल द बेस्ट, अच्छे से मूवी देखना। ऑपरेशन पहली बार देखने आए हो? तो हम लोग आ गए हैं मूवी देख के। तो हम लोगों ने देखी थी द कश्मीर फाइल्स, सीरियसली बहुत ही अच्छी मूवी है, बहुत ही अच्छी मूवी है। मुझे इन चीजों के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी जितनी आज मिली, और मैं वहां पे रो पड़ी थी मैं और पायल। इतने इमोशनल सीन थे, मतलब कि हम ये चीज सोच रहे थे कि लोगों ने कितना सफर करा है पायल, मतलब ये मूवी सोच के भी हम ये सोच नहीं सकते कि वहां के लोगों ने कितना कुछ, कितना उस टाइम के लोगों ने कितना कुछ झेला देखा है। तूने मुझे मारी, मैंने तुझे मारी, तो तूने मुझे मारी, मैंने तुझे मारी। ये क्या गा रहे हो? बलम पिचकारी, तो तूने मुझे मारी। तो चीकू गा रहा है बलम पिचकारी, जो तूने मुझे मारी, तो सीधी सादी छोरी शराबी हो गई। हाँ। सुनाना जरा पूरा। बलम पिचकारी, जो तूने मुझे मारी, वेरी गुड वेरी गुड। तो रात के 1:30 बजे भूख लग रही है, तो यहाँ बन रहा है घर का वही न्यू रेसिपी, हम सबकी फेवरेट टमाटो सूप। दूसरी तरफ गोलू ने दूध जो है कप के अंदाजे से और बॉटल के अंदाजे से चीकू के यहाँ पे डाल के रखा हुआ है। आपकी थोड़ी बॉटल है, उतनी नितिन भैया पीते हैं। देखिए आपकी बॉटल नहीं है, नितिन भैया पीते हैं। आपका तो ये रखा कप, ये देख नितिन भी आगे। तो देखी जाओ अभी भैया, मैं दूध तो गर्म कर दूं, ठंडा है। मैं ठंडा पी लूंगा। चलो ठीक है, आप पी लो। सुन पायल, हाँ। चीकू का इसमें कर रही हूँ गर्म है। ठीक है ठीक है, तेल क्योंकि चीकू या एक ही कप है ना वाला। ठीक है भैया, आपको ये आदत कब से है? बचपन से बोतल में देता हूं। तो छोड़ी नहीं अभी तक आपने? जब नितिन भैया यहाँ पे आए थे ना, हाँ। तो मम्मा का फोन आ गया था कि बेटा देखो कपड़े हो ना हो बॉटल घर पे जरूर रखना। अच्छा चलो ठीक है, कोई नहीं, वैसे देख के देख छेद भी कितना बड़ा कर दिया। भैया अंदर चलो, अंदर चलो, सोना है, चलो अंदर, बहुत देर होगी। तो रात के बज गए 2, और जितने भी बर्तन थे मूवी देखने के बाद सबने खाना खाया, मैंने, नितिन भैया ने, पायल ने, इन्होंने। तो मैंने सारे के सारे बर्तन धोकर सुखा दिए, और मूवी जाने से पहले पायल ने साफ कर दी थी, अभी मैंने कर दी। पायल, मैं और चीकू तीनों दूध पी चुके हैं, और उसके बाद अब मैं चेंज करूंगी क्योंकि मैंने ये वन पीस पहना हुआ है, मैं इसी में काम करने लग गई थी। पहले इनके लिए सूप बनाया, फिर बर्तन साफ करे। सो रहा है, नहीं नहीं जाग रहा है चिकन। अब कब सोते हो, कब जाते हो? अपने कद्दू खाया? तो इसका जो बाउल है कद्दू का ये है, क्योंकि फ्लैट बाउल होता है, जल्दी खा लेता है। तो आज सीरियसली बहुत ही ज्यादा थक चुके हैं, बहुत ज्यादा, रात के बज रहे हैं 3, और बस मैं अभी फेस वॉश कर रही हूँ ताकि मैं फेस वॉश करके आराम से सो जाऊं। तो फेस वॉश हो गया मेरा डन, बस अब चेंज करूंगी, चेंज करके सोऊंगी। बहुत ज्यादा नींद आ रही है, आज बहुत थक गए क्योंकि मॉर्निंग में फास्ट था, आज पूरे दिन काम किया, फिर मूवी चले गए। तो बाय बाय गाइस, आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं सोने जा रही हूँ, बाय बाय। आंख तो खोल ली, बस इतना ही, मेरे को नींद आ रही है।